हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। यहाँ सुबह मॉर्निंग का बज रहा था 5:45 और मेरा काम हो गया था स्टार्ट, क्योंकि आज हम लोग को निकलना है बनारस के लिए। तो आज हमारी विलेज लाइफ स्टाइल आप लोग के साथ अब हट जाएगी, क्योंकि अब तो पहुँच जाना है शहर में। तो क्योंकि देखिए, अभी यहाँ पे जितना भी दिन था ना, सच में बस मुझे वो चीज़ें जो समय चाह रहा था आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने वाला, वो तो नहीं मिल पाया, क्योंकि जो जितना दिन 8-10 दिन मैं यहाँ पे थी, वो पूरा टाइम ये इसी में बीत गया कि प्रोग्राम काम के चक्कर में भागम भाग। तो मैंने जो सोचा था किस तरीके से कैप्चर करूँगी, ब्लॉग को शेयर करूँगी, बट नहीं हो पाया। तो इसके लिए कोई बात नहीं, फिर देखेंगे कभी कुछ होता है तो। क्योंकि डेली तो ऐसे निकले, क्योंकि वहाँ का जो रूटीन है वो आप लोग जानते ही हैं कि बच्चों को लाना, स्कूल जाना आना और सब चीज़ हम लोग का वहीं से है। तो यहाँ पर बस यही है कि एक पिकनिक के तौर पर आना जाना हो जाता है, समझिए। क्योंकि अब जब जो जहाँ रहता है, मेरा ये मैं मानती हूँ, जो जहाँ रहता है उसका वहीं से सिस्टम, सारा चीज़ उसका वहीं से होता है। बट कुछ लोगों को लगता है नहीं, लोग आते हैं भागते हैं। तो देखिए, गांव वाले भी चाहे लोग हो चाहे शहर के हो, जो जिसका जहाँ सिस्टम हो वो लोग वहाँ जाते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, हमारा ये काम ऐसे हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसके बिना अधूरा है या ऐसे हो रहा है। तो ये सुबह ऐसा ही होता है। यहाँ सुबह देखिए, मैं गुड़ और पानी पी रही हूँ। जैसे बनारस में मेरा सुबह गर्म पानी और गुड़ रहता, वही यहाँ पे भी है। सुबह नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ के बाद यही स्टार्ट हो गया था, तो वही है। लेकिन फटाफट मुझे आज खाना भोजन बनाना है, क्योंकि सब्जी ही रोटी बस बनाना है। फिर इसके बाद निकलने की तैयारी करनी, पूरी सामान बनारस आना था। तो धीरे धीरे 4 दिन में पैकिंग हुआ है, यहाँ से बस 1 दिन में सारा पैकिंग करना है, फिर निकलना है। रात को कुछ सामान था, सारा पैकिंग वगैरह हुआ है, क्योंकि सुबह में ही था कि बहुत ढेर सारे सामान और काम के बाद घर फैल ही जाता है, सभी लोग को मालूम है। तो सभी लोग घर से चले गए थे, खाली हो चुका था घर, बस हम ही लोग थे। तो यहाँ पे सारा सामान देखिए, जो जो ले आना है, सारा चीज़ धीरे धीरे इकट्ठा किया जा रहा है कि कोई चीज़ ऐसा ना हो जो छूटे या इधर उधर हो। तो इसीलिए पूरा केयर करना, मतलब क्योंकि फिर आने जाने का मतलब होता है ना कि छूट जाएगा तो फिर आएंगे, ये आते जाते हैं, मम्मी भी आती जाती हैं। लेकिन जो एक साथ में रहता है कि नहीं, निकल जा रहा है तो गाड़ी है तो साथ में चल जाए तो हो जाए, अच्छी बात है। तो सारा सामान मैं रात को यहाँ पे एक साइड में रख दी थी कि मुझे सुबह खाली जो बोरिया झोला हो जिसमें हो डालना हो, तो आसान इसी में लगता है कि सारा सामान बोरे में डाल दो और पैक हो जाए, बंद हो जाए, उसके बाद वहाँ जाने पे खोलने के निकल जाएगा सारे। लेकिन याद रखना होता है कौन से झोले में क्या, कौन से बोरे में क्या डालना है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। इसलिए मैं ही इसमें सारा चीज़ों, मेरा मिक्सर वगैरह ये सब भी मैं ले गई थी, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ती है, और हीटर भी गर्म पानी करने के लिए, ये सब भी ले गई थी। और सारा चीज़ ऐसे मैनेज करना था, खाना मैं भोजन सब्जी रोटी बना चुकी थी, पापा भी खा रहे थे, और गाड़ी की बस आने की टाइमिंग हो रही थी। मुझे लग रहा था 10 बज रहा था, 10:15, तो फटाफट बस मैं लगी थी कोशिश में जल्दी जल्दी किसी तरीके से ये काम हो जाए, नहीं तो फिर हल्ला चिल्ला पापा जी भी बोलेंगे क्या अभी यहाँ बोरे में देखिए आलू करके रखा है, इसे भी पलटी नीचे करना फिर, क्योंकि इसमें अभी मिट्टी वगैरह धूल होंगे तो इसे भी सही करके, ऐसे तो धूल मिट्टी से तो उठा के ले नहीं जाएंगे, कुछ यहाँ छोड़ के जाएंगे उसकी खासियत। तो इस तरीके से हमारी विलेज लाइफ स्टाइल होती है, जो सारी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो स्टोर रूम से, इधर रूम से सारे सामान, किसी से कुछ कह रही थी वहाँ पे, बोल रही थी काम करने के लिए, और यहाँ मम्मी भी लगी हुई थी कि ये चीज़ जाएगा वो चीज़ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम ही ऐसे बन जाता है, जो भागम भाग होता है ना हम लोग का, वो सिस्टम ही अगर वहाँ पे कोई रहता तो शायद हम लोग का कोई अपना वहाँ पे घर में रहता, जैसे बड़े पापा लोग के तो रहता, तो हम लोग घर में सामान छोड़ देते। इसलिए कि घर में ताला बंद हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है कोई चीज़ छोड़ने का। तो इसीलिए ये होता है कि नहीं, सारा सामान कोई भी चीज़ रहेगा बर्बाद होगा, चूहा काटेगा, इधर उधर होगा, तो इसलिए सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है। सभी सामान खाली, सभी लोग निकल रहे हैं। शीशा एक बक्सा रखना है यार,
ये सारा चीज़ अब करीब करीब रखा चुका है, गाड़ी में सारा सामान जा रहा था रखाने के लिए, तो मैं अलमारी भी चेक कर रही थी, ऐसा ना हो कुछ चीज़ें भूल गई हो, फिर जाने के बाद वहाँ मुझे ये चीज़ भूल गई वो चीज़, वही चीज़ मैं बैग वगैरह में अपना चेक कर रही थी कि सारा चीज़ है, ऐसा ना हो भूल। फिर भूलने के बाद क्या होता है ना कि कहेंगे अरे ये चीज़ भूल गए, तो लगेंगी चिल्लाने। क्या कर रही थी, कोई काम नहीं था तुम्हारे पास, तो ये है। तो यहाँ देखिए गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और सारा सामान रखा रहा, ऊपर हमारा कंबल बधाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में जगह नहीं रह गई थी, स्पेस जो कि इनोवा था लेकिन सामान बहुत ज़्यादा थे और बहुत सामान मैंने वहाँ पे छोड़ के भी आई है, इसलिए कि उसमें जगह नहीं था, हम लोग को भी आना था 7-8 लोग को, तो इसीलिए हम लोग डाल दिए, अभी छोड़ दिए, बाद में फिर नॉर्मल जब बाद में आएंगे तब फिर से जाएगा, मैं नहीं मम्मी पापा लोग, मम्मी या ये जाएंगे जो लोग भी जाएंगे। और मौसम कुछ ऐसा हो गया था ना जैसे बदरी टाइप में, लेकिन अच्छा लग रहा था, ठंडक भी हल्की थी, मैं तो स्वेटर ही पहन के डाल के आई थी, वहाँ पर उतनी नहीं लग रही थी लेकिन ज़रूरत थी हाँ कुछ पहनने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम लोग की हो रही है यहाँ से विदाई, अब हम लोग अपने जगह पे जहाँ हम लोग का मन स्थान रहता है वहीं पे पहुँच जाना है, यहाँ से निकलने बाद रास्ते का थोड़ा सा व्यू आप लोग को दिखाएंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। पूरा घर हो गया है खाली, अब हम निकल रहे हैं, ये है खुद तो मेरे सामने सटिया और शोरूम किचन, जब इधर सबकी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी टेंट वाले भैया लोग का भी सामान पड़ा हुआ था तो वो लोग भी आ गए हैं, उसी समय जब हम लोग की गाड़ी आई उसी समय उन लोग की भी गाड़ी आ गई, ये हम लोग को भी थोड़ा सा माइंड में था कि आ जाते साथ समय से सामने लेके चले जाते तो ये नहीं होता, क्योंकि सामान को गिनाने वाला जो टेंशन रहता है ना वो सबसे बड़ी होती है, तो सामने ही लेके वैसे वो लोग को गिना दिया गया था सारा सामान कि क्या कितना आया था, बट लेकिन सामने चला जाता तो एक होता ना माइंड में नहीं अब हमें सोचना नहीं है, तो हाँ वही हो गया। वैसे वो लोग 2 दिन 28 का काम हुआ था, 29 को पूरा दिन पड़ा हुआ था, 30 को सुबह ये जा रहा है, 11 था 11 बजे ये लोग भी अपना आ गए थे, सारा सामान चला जाएगा तो ऐसे हम लोग भी फ्री माइंड हो जाएंगे। तो चलिए अब निकलते हैं, रास्ते का व्यू देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं सफ़र में। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते का व्यू कुछ इस तरीके से था, तो हंसी मजाक सारे लोग सही एक साथ गाड़ी में करते हुए, और ये थोड़ा सा पीछे बैठे थे इसलिए हम लोग थोड़ा हंस भी रहे थे, बट बोल लेकिन उनको कहे बहुत आराम था, कंफर्टेबल था हम लोग क्योंकि आगे 3-4 लोग हो गए थे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से मेरा पूरा रास्ते का व्यू बना हुआ था। Thank you.
लीजिए, और कुछ इधर भी साइड में भी पड़ा है और हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए, ब्लॉग शायद कब कंटिन्यू बनना ही है, कंटिन्यू अब ब्लॉग जाएगा। बस दो दिन नहीं गया था, दो दिन, क्योंकि दो दिन भी रात में जब सोने जाती काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मन भी नहीं कर रहा था इसीलिए। तो चलिए, अब तो ब्लॉग कंटिन्यू है। इस समय शाम के 6:30 बजे और मैं करते करते थक गई थी, तो ब्लॉग अभी स्टार्ट थोड़ा सा कर ली कि हम लोग यहाँ आ गए।